हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ मोशन अंडर वेरिएबल एसरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ पार्टिकल हुज मास एम इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। दिस फोर्स इज गिवन टूवर्ड्स द ओरिजिन। एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। और फोर्स होता क्या है, मास इंटू एसरेशन। और एसरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे हमारे पास गिवन है फोर्स, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस में लगेगा क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ऑपोजिट एक्ट कर रही है। तो वी डी वी बाई डी एक्स, एम और एम तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस में टर्म आ जाएगी हमारे पास। वी डी वी डी एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस ए फोर एक्स जो है ऊपर जाके माइनस थ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इंटेग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाय टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सी वन। अगर एक्स इक्वल टू ए है तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। रेस्ट पोजिशन से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस कितना कवर किया है, ए कवर किया है फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर एक्स ए है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो वी को जीरो पुट करेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो हमारे पास सी वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सी वन की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमारे पास वी स्केयर बाय टू इक्वल टू माइनस न्यू, इसका एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, वी स्केयर इक्व टू न्यू। अगर हमने माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ए फोर माइनस एक्स फोर हो जाएगा बाय एक्स स्केयर, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा। वी क्या होता है, वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे सारा क्या हो गया, रूट हो गया, क्योंकि स्केयर था तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी है, तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की टर्म में और डी एक्स की डी टी में, तो ये टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, डी एक्स यहाँ पे रहेगा, एक्स जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी टर्म न्यू डी टी, और ये जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमने इसका भी इंटेग्रेट करना है और इसका भी इंटेग्रेट करना है, न्यू तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी टी प्लस सी टू लग जाएगा, एक्स बाय रूट ए फोर माइनस एक्स फोर डी एक्स होगा इक्वल टू माइनस रूट न्यू, डी टी का इंटेग्रेट टी प्लस सी टू हो जाएगा, तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका इंटेग्रेट करेंगे, इंटेग्रेट कैसे करेंगे, आपको पता है कि वन बाय रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस, अगर हमारे पास इस टाइप की टर्म हो तो एक्स स्केयर को क्या पुट करते हैं, ए स्केयर साइन थीटा पुट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करो टू एक्स डी एक्स ए स्केयर कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू एक्स बाय रूट ए फोर माइनस एक्स फोर हो जाएगा, एक्स को हम क्या लेंगे यहाँ पे, वन बाय टू ए स्केयर कोस थीटा डी थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स फोर का ए फोर साइन स्केयर थीटा, ये जो वैल्यू है एक्स स्केयर की हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एक्स स्केयर बाय स्केयर हो जाएगा ऐसे, तो एक्स स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी स्केयर है उसका स्केयर करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ए स्केयर कोस थीटा होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए स्केयर कोस थीटा, क्योंकि ए फोर बाहर आ जाएगा कॉमन ले लेंगे, तो ए फोर का रूट क्या हो जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा कोस्केयर थीटा, कोस्केयर थीटा का रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर वन डी थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, ए स्केयर नीचे चल जाएगा और साइन लेफ्ट हैंड साइड जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाय ए स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रूट न्यू टी प्लस सी टू के। वेन टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू ए, जब उसने रेस्ट पोजिशन से शुरू किया था और ए डिस्टेंस कवर किया था फ्रॉम द ओरिजिन, तो वेलोसिटी जीरो थी, तो टाइम भी तो जीरो रहेगा, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, तो हमारे पास सी टू आ जाएगा, सी टू की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। सी टू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद वो कह रहा है कि वेन द पार्टिकल रीचेज द ओरिजिन एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब वो वापस उसकी पार्टिकल की फोर्स लग रही है ऑपोजिट, जब टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा तो उसका डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय फोर रूट न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरह सेम ही है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ए से स्टार्ट हुआ है और वो मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ए ओ की तरफ जा रहा है विद डिस्टेंस ए, विद एन एसरेशन विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ, ओ की तरफ जा रहा है, वेयर इज इनवर्सली, जो ये एसरेशन है वो इनवर्सली है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है
फ्रॉम द ओ शो दैट द पार्टिकल अराइव एट ओ, आपने शो करना है कि जब पार्टिकल ओ पे पहुंचा तो उसकी जो इनफाइनाइट वेलोसिटी थी आफ्टर टाइम टी, टी जो है आपका ये होना चाहिए। तो एसोरेशन जो है नेगेटिव में होगी क्योंकि वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब ऑपोजिट आ रहा है, तो वो क्या एसोरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें पता है कि एसोरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x2 है, तो एफ क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/x2 माइनस लगेगा क्योंकि टूवर्ड्स ओरिजिन है, और जब हम डायरेक्टली पोर्शन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट हम न्यू लग जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। और एसोरेशन को लिखते कैसे हैं, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस न्यू बाई एक्स केयर, तो वी डी वी डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इंटेग्रेट करेंगे तो वी स्केयर बाई टू आ जाएगा, माइनस न्यू कॉन्स्टेंट एक्स माइनस टू का इंटेग्रेट कर देंगे प्लस सी वन, इसका इंटेग्रेट करेंगे माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, तो प्लस सी वन हो जाएगा, सी वन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अगर जब वो रेस्ट पोजिशन से शुरू हुआ था एक्स इक्वल टू है तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, तो सी वन की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सी वन की जो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगी उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पे हमने न्यू कॉन्स्टेंट ले लेना, टू मल्टीप्लाई कर देना, वन बाय एक्स माइनस वन बाय, इसका एलसीएम ले लेना हमने, तो वी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, यहाँ पे रूट टू न्यू रूट ए माइनस एक्स बाय एक्स हो जाएगा। डी वी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी होता है, डी एक्स डी बाय डी टी होता है, रूट ए माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा डी एक्स, और बाकी रह जाएगा यहाँ पे डी टी। फिर उसके बाद करेंगे इंटेग्रेट करेंगे, इसका इंटेग्रेट करेंगे और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी डी टी का टी हो जाएगा प्लस सी टू, इसका इंटेग्रेट करके क्या आएगा, वन बाय ए माइनस एक्स क्या होता है, साइन साइन इन्वर्स एक्स फॉर्म जो इंटेग्रेट होता है, तो एक्स को हम क्या पुट करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा टू ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और टू ए डी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो सॉल्व करके हमारे पास जो आएगा, दिस इज साइन थीटा, एक कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, साइंस के थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा, और उसके बाद साइंस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइंस के थीटा डी थीटा आएगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइंस के थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा, साइन वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू होता है, और टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, ए कॉमन बाहर रहेगा, वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा आ जाएगा। डी थीटा को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी थीटा को इसके डी थीटा का इंटेग्रेट क्या होगा थीटा, कोस्ट का क्या होगा साइन टू थीटा बाय टू। इसको सॉल्व करना है, अब हमने ए तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा इस, ठीक है, इसका क्या होगा टू साइन थीटा कोस थीटा, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ए थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स पोन ए माइनस रूट एक्स अपॉन ए साइन थीटा को लिखेंगे, और वन माइनस साइंस के थीटा का होगा एक्स स्केयर बाय स्केयर स्केयर के एक्स बाय ए आ जाएगा। सोल्व करके हमारे पास जो है ये टर्म आ जाएगी, और इसको हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास इंटेग्रेट करके आया है, तो इंटेग्रेट करके ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा जहाँ से हमने सी टू की वैल्यू निकालनी है। सी टू की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम एक्स को ए पुट करेंगे टी इक्वल्स टू जीरो, तो सी टू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे क्योंकि वो जब ओरिजिन पे पहुंचेगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास मीन्स एम की वैल्यू क्या है, वन है, बिगेंस टू मूव फ्रॉम ए डिस्टेंस ए, उसने मूव शुरू किया मूव होना शुरू है फ्रॉम ए डिस्टेंस ए टूवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर, फिक्स्ड सेंटर विच रिपेल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ न्यू एक्स, एफ की वैल्यू हमें गिवन है न्यू एक्स, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है एक्स डिस्टेंस पे, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रूट न्यू ए है, शो करना है कि विल कॉन्टिन्यूसली अप्रोच द फिक्स सेंटर बट विल नेवर रीच इट, वो वापस फिर आपने मतलब वापस यहाँ से चलना शुरू है यहाँ तक पहुँच रहा है लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, फिर उसने अप्रोच किया फिक्स्ड सेंटर पे पर वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, तो हमने ये शो करना है, एम को लेना हमने वन। पार्टिकल इज बींग रिपेल्ड फ्रॉम द सेंटर ओ, द एसरेशन इज इन द डायरेक्शन एक्स इंक्रीजेज, हैंस इट्स पॉजिटिव, क्योंकि ये यहाँ तक इस तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर वापस आ रहा है तो नेगेटिव होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसरेशन, मास को वन लेंगे, एसरेशन को क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू न्यू एक्स जो हमें गिवन है, वी डी वी आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा न्यू एक्स, इसका इंटेग्रेट करेंगे तो सी वन आ जाएगा। इनिशियली वन एक्स इक्वल्स टू ए, जब हम एक्स को ए पुट करेंगे तो वी हमारे पास आ जाएगा माइनस रूट न्यू ए, नेगेटिव साइन क्यों लगा, इट इज टेकन वेन द वेलोसिटी टूवर्ड्स ओ, ये तब होगा जब वेलोसिटी वापस ओ की तरफ आएगी।
फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो v की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। c1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वी स्केयर इक्वल टू रूट न्यू एक्स स्केयर आ जाएगा। वी होता क्या है, डी एक्स बाई डी टी स्केयर न्यू एक्स स्केयर डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा। पार्टिकल इज टूवर्ड्स द सेंटर, जब वो वापस सेंटर की तरफ आ रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हेंस डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा क्योंकि वो वापस ओ की तरफ आ रहा है। 1 बाई एक्स डी एक्स ये जो हो जाएगा एक्स जो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट न्यू डी टी, इंटेग्रेट करेंगे ये लोग एक्स हो जाएगा माइनस रूट न्यू टी प्लस सी टू आ जाएगा। वेन एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सी टू आ जाएगा, सी टू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, टी इंक्रीज होगा और एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली अप्रोचिंग द फिक्स सेंटर बट एक्स अप्रोचेज टू 0 ओनली वन टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। पार्टिकल विल नेवर रीच द सेंटर इन फाइनाइट टाइम, मतलब अगर उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो तब भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थैंक यू।